और खबर रायपुर से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग में 425 करोड़ से ज्यादा के घोटाले की शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार की अनदेखी का आलम यह है कि मामले की जांच तक नहीं की गई है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर गुप्ता ने मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अन्य शासकीय विभागों में भ्रष्टाचार के खेल का खुलासा किया है। डॉक्टर गुप्ता ने राज्यपाल अनुसुईया उइके के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को पत्र लिखकर इस संगठित तंत्र पर कार्रवाई की मांग की है। माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय और मुख्य सचिव को 16 अगस्त से 22 अगस्त के बीच चिट्ठियां लिखी गई और उनसे आग्रह किया गया है कि इस प्रकार अपराधी बच निकलेंगे और उसकी जांच बहुत जरूरी है। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से अमानक दवाइयों की सप्लाई हुई है, तो एक तरह से देशद्रोह जैसा अपराध है, ताकि छत्तीसगढ़ की जनता को अच्छी दवाइयां मिल सके, सुलभ तरीके से मिल सके, इसलिए यह जरूरी है कि भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश हो और उनको सजा मिले।